नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। दिवाली की रात सोने से पहले कर ले ये जरूरी काम, गरीबी क्या है भूल जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा टोटका है जो कि दिवाली नाइट के लिए स्पेशल है। दोस्तों, इस टोटके के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप कृपया करके ये पूरी वीडियो अवश्य देखें, ताकि आपको इस पूरे उपाय टोटके की जानकारी आपको पूरी तरह से मिल सके। और अंत में हम आपको एक गुप्त जानकारी, साथ में इसमें जो सावधानियां आपको रखनी चाहिए वो हम बताने वाले हैं, इसलिए कृपया करके पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इस खास उपाय की। दोस्तों, दिवाली की रात महारात्रि मानी जाती है। दिवाली की रात आप जो भी तंत्र मंत्र टोने टोटके आदि करते हैं वो अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही सरल से साधारण से उपाय, लेकिन बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय, जिन्हें करके आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। बस आप देखते रहें ये वीडियो अंत तक। दोस्तों, टोटके का अर्थ होता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं, बहुत सारा परिश्रम कर चुके हैं, हर प्रकार के भगवान के उपाय कर चुके हैं, व्रत पूजा आदि कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, तो आप टोटके का सहारा ले सकते हैं। फिर टोटका ही एकमात्र ऐसी चीज बचती है जिसको करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, इन टोटकों को चमत्कारिक उपाय का नाम भी दिया गया है, और ये चमत्कारी उपाय आपके जीवन में बांधी हुई गांठ को खोलने का काम करते हैं। जो आपकी हर प्रकार की पूजा अर्चना करने के बाद भी अड़चने आ रही हैं, आप हर प्रयास कर चुके हैं, थक गए प्रयास कर करके, लेकिन फिर भी आपकी परेशानियां हल होने का नाम ही नहीं लेती है, तब उस कंडीशन में यह टोने टोटके आपके जीवन में बंधी हुई गांठ को खोलने का काम करते हैं। दोस्तों, अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त करने के लिए, नया मकान, गाड़ी, या फिर आप कुछ भी अगर चाहते हैं, वाहन सुख, पत्नी सुख, या कुछ भी आप चाहते हैं, तो उस कंडीशन के लिए, कोई नई वस्तु प्राप्त करने के लिए आप ये दिवाली के टोटके कर सकते हैं। ऑफिस या फिर व्यापार में तरक्की के लिए भी आप ये कर सकते हैं। धन बढ़ाने के लिए भी दोस्तों आप इनका उपाय कर सकते हैं। वैसे तो आपको YouTube पर या फिर आपको गूगल पे या नेट पर आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे अपने धन बढ़ाने के लिए, लेकिन जो तंत्र शास्त्र के जो उपाय होते हैं उनका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, आपको हम बहुत सारे उपाय बताने वाले हैं, आप ध्यान पूर्वक सुने, सभी उपायों को सुने, वीडियो अंत तक देखें। और आपको ये सारे उपाय नहीं करने हैं, आप जिसमें से जो भी उपाय चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये उपाय मेरे लिए उत्तम है और आसान है, मैं कर सकता हूं, आप एक या एक से ज्यादा उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक उपाय को करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप सभी उपाय करेंगे। दोस्तों, दीपावली की रात अमावस्या की रात होती है। आपको अमावस्या की रात पीपल के नीचे दीपावली की रात एक दीपक जलाकर आना है और अपने घर लौटकर आ जाना है उस दीपक को बिना देखे। दीपक लगाने के बाद पीछे पलट करके आपको नहीं देखना है। इस उपाय से धन संबंधी कार्यों में आ रही आपकी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, दीपावली की रात जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो उस समय एक बड़ा सा घी का दीपक जला लें। नॉर्मली दोस्तों हम क्या करते हैं कि तेल का दीपक जलाते हैं दिवाली की रात को, लेकिन ये जो दिया जो हम बता रहे हैं दोस्तों, ये टोटके वाला दिया है, ये आपको बड़ा दिया लेना है और उसमें घी डाल करके 9 बत्तियां लगानी है, और सभी 9 बत्तियां जला करके अपने घर की छत पर या फिर अपने घर के बालकोनी में आप उसे रख दें, और लक्ष्मी माता की पूजा अलग से करें। आपको दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आप जो भी दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा में आप दिए जलाएंगे, जैसे आप हर बार 5 दिए जलाते हो या 7 जलाते हो या 11 जलाते हो, तो इस बड़े दीवे को आपको उस गिनती में नहीं जोड़ना है। आप जितने जलाते थे उतने जलाएं और ये दीपक अलग से जलाएं, क्योंकि यह दीपक टोटके वाला दीपक है। दोस्तों, जब आप दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा कर ले, तब आपको दुकान या अपने कंप्यूटर, लैपटॉप आदि की पूजा भी करनी चाहिए, खासकर से जब
जबकि अगर आपका व्यवसाय कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या किसी भी वस्तु के थ्रू चलता है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसके वजह से आपका काम चलता है, आपको उसकी भी पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, दिवाली की रात आपको सोने से पहले एक और टोटका करना है। दोस्तों, सोने से पहले आपको अपने घर के सभी कमरों में, लॉबी में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट को छोड़ करके, टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ के अपने घर के सभी जगहों पर, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर आपको शंख और घंटी की ध्वनि जरूर बजानी है। इससे दोस्तों उस घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी होगी या फिर दरिद्रता होगी, वो खत्म हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ दरिद्रता बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है। दोस्तों, दीपावली की रात आपको तेल के दीपक जलाने चाहिए। वैसे तो आपको पता ही होगा, यदि किसी भाई बहन को नहीं पता है तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आपको दीपावली की रात तेल के दीपक ही जलाने चाहिए। और साथ ही साथ जब आप दीपक जला रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी एक दीपक में आप लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती अवश्य करें। यह काम आप चाहें तो हनुमान जी के किसी भी निकटतम मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हनुमान मंदिर ना हो आपके घर के आसपास तो आप शिव मंदिर भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको लक्ष्मी माता की पूजा के दौरान मां लक्ष्मी मां की पीली कौड़ियां रखनी है। दोस्तों, पीली कौड़ियां रखने से माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त पर कृपा करती हैं और उनका घर धन धान्य और पैसों से भर देती हैं। दरिद्रता उनके घर का रास्ता भूल जाती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन के समय इस बार आपको 7 हल्दी की साबुत गांठ भी जरूर रखनी है और पूजन पूरा होने के बाद लाल कपड़े में इन गांठों को रख करके एक पोटली बना ले और उसके बाद आपको इसे अपने लॉकर में, तिजोरी में जरूर रखनी है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको फिर से बताया था कि एक झाड़ू का उपाय दिवाली की रात को, तो आपको दिवाली की रात एक नया झाड़ू अवश्य खरीदना है। दोस्तों, रात में दोस्तों खरीदना जरूरी नहीं है कि आप दिवाली के दिन भी खरीद सकते हैं और आपको अपने पूरे घर की सफाई इस झाड़ू से, नए झाड़ू से करनी है। और जब झाड़ू का काम ना हो तो आपको झाड़ू छिपा करके रख देना है और दिवाली के दिन सुबह सुबह जाकर के किसी भी मंदिर में आपको 3 झाड़ुओं का दान कर देना है। दोस्तों, यदि आपको 3 झाड़ू खरीदना महंगा लग रहा हो तो आप किसी एक झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक झाड़ू नहीं खरीदें और मंदिर में जाकर के उसको दान कर दें। दोस्तों, दिवाली की रात महालक्ष्मी की पूजा करते वक्त आप लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र आदि भी रख सकते हैं। और दोस्तों, यदि श्री यंत्र आपका स्फटिक का हो तो सबसे उत्तम होता है, इससे लक्ष्मी माता बहुत ही जल्दी खिंची चली आती है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको एक छोटा सा उपाय जो आपको दिवाली की रात सोने से पहले करना है। आप किसी भी अपने घर के आसपास सुनसान से चौराहे पर चले जाएं और वहां एक तेल का दीपक जलाएं और अपने घर लौट करके आ जाएं। दोस्तों, ध्यान रखें कि यह कार्य करते वक्त आपको पीछे पलट करके, भूल करके भी नहीं देखना है। और दोस्तों, सबसे बड़ा महा और चमत्कारी उपाय, यदि आपको दिवाली की रात या दिवाली के पूरे दिन में अगर आपको कोई किन्नर दिख जाए और वह आपको अपनी खुशी से 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का दे दे, तो समझ लिए दोस्तों कि अब लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास कर चुकी है। अब आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी और लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही रह जाएगी। दोस्तों, इसके लिए आप उन्हें अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी पहले दान कर दें, उसके बाद वहां से जाने से पहले आप किन्नर से रिक्वेस्ट करके विनम्रता पूर्वक उनसे मांग लें 1 रुपए का सिक्का, और अगर उन्होंने खुशी खुशी दे दिया तो समझ लिया आपकी लॉटरी लग गई। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आप कोई मुफ्त की जानकारी चाहते हैं तो आप कृपया करके आप कमेंट जरूर करें और अपनी समस्या बताएं, नहीं कम से कम जरूर जय बजरंग बोली तो अवश्य ही लिखें। दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो और आप कोई गुप्त जानकारी जानना चाहते हैं, दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंग बली और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।